Hello student, good morning. Today we will going to discuss some remaining topic of chapter magnetism and earth magnetism. तो जैसे कि हमारे पास first topic है वो क्या है magnetism and gauge law. तो gauge law in electrostatics भी हमने पढ़ा था. Gauge law in electrostatics में हमने क्या पढ़ा था कि जो total number of electric field line passing over a closed surface is equal to 1/ε0 times the charge enclosed in that surface. और इसी को ही क्या कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा था जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था पाई ई से. और यहाँ पर बिल्कुल सेम उसी तरह से हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग ओवर ए क्लोज सरफेस, लेकिन यहाँ पर वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होगी जीरो बिकॉज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. दूसरी बात यहाँ पर देखो क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर था वैसा ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के अंदर है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. ये किस में था और एस्टिड एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था. और विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट करंट इज इंड्यूस ये हम 10th क्लास में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ चुके हैं. और अभी नेक्स्ट यूनिट हमारे पास यही आएगी कि कंप्लीट यूनिट के अंदर हम विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट करंट इज इंड्यूस यही डिस्कस करेंगे अगली जो यूनिट है अल्टरनेटिंग करंट. तो देखो यहाँ पर गोज लॉ के अकॉर्डिंग गोज लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म में क्या बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं पासिंग ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द जीरो. मीन जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी क्लोज सरफेस से लीव आउट हो जाती है. तो मीन्स जो टोटल एक क्लोज सरफेस की अगर बात करें या अगर इसको क्योंकि दोनों पोल स्ट्रेंथ होती हैं मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं. और दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ होती है ना मीन्स जैसे जनरली हम इसको ऐसे भी लिख देंगे बी डू डी एस है उसको हमने क्या लिख दिया म्यू नॉट है. दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास कैसी होती है इक्वल एंड अपोजिट होती है. तो जब नेट की अगर बात करते हैं हम नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है जीरो के इक्वल. दो वे से हम कह सकते हैं एक तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती है उतनी ही लीव आउट हो जाती है. या दूसरे वे से हम ये भी कह सकते हैं कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट हमेशा जो मैग्नेट्स है वो पेयर में एग्जिस्ट करती है और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो दोनों की इक्वल एंड अपोजिट होती है जैसे कि एम और एम से रिप्रेजेंट किया. लेकिन अपोजिट क्यों क्योंकि नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे टर्मिनेट होती है. तो ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था हमारे पास मैग्नेटिज्म एंड गोज लॉ कि गोज लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स या इन मैग्नेटिज्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करें. लेकिन देखो ये तो एक सिंगल चार्ज की बात चल रही थी अगर यहाँ पर भी अगर हम डाइपोल ले ले डाइपोल क्या होती है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. हमने पढ़ रखा है ये भी कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस उसको हम क्या कहते हैं डाइपोल. तो जब डाइपोल की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पर ये भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के इक्वल. कब हो जाएगा जब हम किसकी बात करते हैं डाइपोल की बात करते हैं. और ये तो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर कोई सिंगल चार्ज की तो सॉरी सिंगल पोल स्ट्रेंथ की तो बात होगी नहीं. तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है पासिंग ओवर ए क्लोज सरफेस वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी जीरो के इक्वल. अब देखो यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं जैसे कि एक टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ छोटी कल सा टॉपिक है तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ देखो नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मीन्स अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कि अर्थ है वो एक ह्यूज मैग्नेट की तरह काम करती है मीन्स एक बड़ी मैग्नेट की तरह काम करती है. किस वे से कहा गया और इसके पीछे कारण क्या है नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा कोज ऑफ अर्थ मैग्नेट कि अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है इसके पीछे क्या कारण है. अभी हम ये बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कि जो अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. तो देखो ये स्टार्टिंग में ही एक साइंटिस्ट था विलियम गिलबर्ट इन 1600 में जो साइंटिस्ट था क्या नाम था जिसका विलियम गिलबर्ट उसने बहुत पहले ही 1600 में ही ये कह दिया कि अर्थ है वो एक ह्यूज मैग्नेट है मीन्स काफी बड़ी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. उसने ऐसा क्यों कहा
कारण क्या है ये अभी बताएंगे, लेकिन उसके पीछे क्या रीजन था कि जब भी एक मैग्नेट को सस्पेंड फ्रिली ऐसे लटकाया जाता है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट में आ जाती है। तो ये कहा कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में इसलिए आती है क्योंकि देखो जब मान लीजिए कोई स्टेशनरी पोजीशन तो अट्रैक्शन के कारण ही हो सकती है, रिपल्सन के कारण तो कभी कोई स्टेशनरी पोजीशन होती नहीं है। तो ये कहा गया जैसे कि जैसे इसको ऐसे यू फ्रीली लटकाया जाता है तो वो जब तक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं आती तब तक रेस्ट में ही आती है, जैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आती है वो रेस्ट में आ जाती है। तो उसके पीछे ये कहा गया कि वो इसलिए है क्योंकि अर्थ है वो एक खुद बड़ी मैग्नेट है कि जिधर अर्थ सॉरी मैग्नेट का जो नॉर्थ था उधर अर्थ का क्या था ज्योग्राफी के साउथ था, और जिधर मैग्नेट का साउथ है उधर अर्थ का क्या था ज्योग्राफी के नॉर्थ था, जिसके कारण आपस में उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ। लेकिन ये बिल्कुल ये भी कह दिया कि इनके बीच में कुछ एंगल है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, 11.3 डिग्री एंगल है, बिल्कुल उसके पास में नहीं है कि जैसे कि ये उसका नॉर्थ आ रही है उसका साउथ आ गया, नहीं इनके बीच में कुछ एंगल भी है ये बाद में डिस्कस किया गया, इस यहाँ पर नहीं बताया गया। विलियम गिलबर्ट ने तो ये बताया बस अर्थ है वो एक बड़ी मैग्नेट है और जैसे ही उसको मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड फ्रीली किया जाता है तो वो इसीलिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आती है कि जिधर अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ है उधर जो मैग्नेट का नॉर्थ है, जिसके कारण अट्रैक्शन में वो इस पोजिशन में रेस्ट में आ जाती है। पहला वे ये कहा गया। सेकेंड के अंदर ये कह दिया कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी जो मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे सॉफ्ट टायर ले लिया उसको बरीड करते हैं अंडर द अर्थ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर। सेकेंड वे के अंदर क्या कह दिया कि कोई भी जैसे कि सॉफ्ट टायर ले लिया मैग्नेटिक मटेरियल जो कि हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, तो जैसे कि सॉफ्ट टायर मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल मींस इसके अंदर है, जैसे कि मान लीजिए किसी मैग्नेट के पास में लेके जाते हैं आयरन को तो वो क्या कर लेता है उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो जैसे कि ये कहा कि जब मान लीजिए सॉफ्ट टायरन ने ले लिया, सॉफ्ट टायरन को बरीड करते हैं अंडर द अर्थ कौन से डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ही, उसको ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ही बरीड करते हैं अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वो उसने क्या किया ये कहा कि उसने भी कुछ प्रॉपर्टीज एक्वायर कर ली किसके मैग्नेट की बाई इंडक्शन मेथड। ऐसा क्यों हुआ अभी बताएंगे। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की इस वे से ये कह दिया कि अर्थ है वो एक मैग्नेट थी जिसके कारण इंडक्शन के कारण भी इंडक्शन के कारण जो आयरन था उसने कुछ प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लिया। फिर क्या कहा कि जैसे कि ये सेकंड रीजन है, थर्ड में ये कह दिया कि अगर मान लीजिए जब हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे कि हमने डिस्कस की थी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कोई बार मैग्नेट ले ली जैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है और ऐसे साउथ पे टर्मिनेट होती है, ये बेटा आपको बता चुके हैं ध्यान है ना ये कि नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे ऐसे टर्मिनेट होती है इस तरह से, और पोल के ऊपर ज्यादा होती है ये भी आप पढ़ चुके हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हो तो हम थोड़ा सा इसके बारे में अभी बता रहे हैं आपको। तो देखो क्या कहा कि जैसे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये पाया गया कि कहीं कहीं पर कोई न्यूट्रल पॉइंट आ गया। न्यूट्रल पॉइंट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वहां से थोड़ी सी कट थी, तो वो इसलिए हो गया कि अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी और हो सकता है उधर रिपल्सन के कारण कुछ यहाँ मीन्स इनके बीच में जैसे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देखो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह की हम पोजिशन नहीं लेते, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहा गया कि कुछ न्यूट्रल पॉइंट आ जाते हैं, और जो न्यूट्रल पॉइंट इसीलिए आया कि वो जो पॉइंट थे वहां पर न्यूट्रल पॉइंट मीन जहां पर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट ना हो, तो अर्थ के द्वारा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और अर्थ ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया इसलिए न्यूट्रल पॉइंट आया। तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मीन्स किस वे से कहा गया कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो टॉपिक आपके पास इसी तरह से आएगा, कोज क्या है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जब क्वेश्चन अगर आपके पास बनता है थ्योरेटिकल है बन भी जाए नहीं भी बने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कि किस वे से हम ये कह सकते हैं कि अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट आपको क्या बताया कि जब एक मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड फ्रीली किया जाता है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर आती है। सेकंड में आपको बताया कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे सॉफ्ट आयरन ले लिया उसको बरीड करती है अंडर द सरफेस तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर, तो वो कुछ प्रॉपर्टीज उसने एक्वायर कर ली, तो इस वजह से कह दिया।
और थर्ड में आपको क्या कहा कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ न्यूट्रल पॉइंट आ जाते हैं, और वो न्यूट्रल पॉइंट इसीलिए आए क्योंकि एक अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी और उसने उस पॉइंट उनको वहां से कैंसिल कर दिया, तब वो एक न्यूट्रल पॉइंट आए। तो शायद आपको यह समझ में आ गया होगा। अब है हमारे पास कोज, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ये भी, कोज ऑफ ए अर्थ मैग्नेट, कि जो जो अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह है बिहेव करती है। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, कोज ऑफ ए अर्थ मैग्नेटिज्म, कि क्या कारण है, किस कारण से अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो जैसे कि अभी अभी आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट था विलियम गिलबर्ट इन 1600 के अंदर, उसने ये बताया कि अर्थ है वो एक हुज मैग्नेट है, कि अर्थ है वो क्या है, एक हुज मैग्नेट है। ये किसने बताया स्टार्टिंग में 1600 के अंदर, जैसे कि अभी भी आपको बताया था विलियम गिलबर्ट ने बताया कि अर्थ, उसने बस ओनली यही बताया कि अर्थ है वो एक हुज मैग्नेट है, मीन्स काफी बड़ी मैग्नेट है, इतना बताया। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया, ब्रेकिट के नाम से था प्रोफेसर कुछ, ब्रेकिट इस तरह से उसका नाम था, प्रोफेसर ब्रेकिट, उसने ये कहा कि अर्थ मैग्नेटिज्म है वो किसके कारण है, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण है, कि ये जो रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ये आपने पढ़ रखा है कि अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। तो एक साइंटिस्ट था प्रोफेसर ब्रेकिट, उसने ये कहा, विलियम गिलबर्ट ने तो ये कह दिया कि बस अर्थ है वो एक हुज मैग्नेट है जिसके कारण है, यही हमारे पास कोज है अर्थ मैग्नेटिज्म का। और जो प्रोफेसर बेकेट था उसने काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी, उसने ये कहा कि जो अर्थ रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस, उसी के कारण ही हमारे पास अर्थ का ये मैग्नेटिज्म, मींस उसी टाइप से ही अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। क्योंकि देखो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि विद द हेल्प ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, ये हम पढ़ चुके हैं, और ये भी हमें पता है कि जैसे कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो अर्थ के ऊपर बहुत सारे सब्सटेंस है, और एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, तो क्या हुआ हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मीन्स जिसको हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, और जब आयंस सर्कुलेट करते हैं मीन्स मोशन में होते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये रीजन इसके पीछे कुछ ठीक था कि क्योंकि ये तो देखो एक इस तरह से कह दिया कि उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज आ गई, लेकिन रियली में अर्थ है उसके अंदर कोई इस तरह का कोई मैग्नेट नहीं है, ये आपके पास से प्रोफेसर जो ब्रेकिट ने बताया ये ठीक था। कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, उसने ये बताया कि जब अर्थ रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस तो एवरी पार्टिकल रोटेट करता है, और एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स, और जब हर एक सब्सटेंस एटम से मिलके बनता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है, मीन्स आयन से मिलके बनता है, और जब आयन सर्कुलेट करते हैं मीन्स मोशन में होते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये हम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं। तो ये किसने बताया, प्रोफेसर ब्रेकिट ने बताया, ये क्या है हमारे पास, कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ऐसे ये कह दिया कि जो थर्ड रीजन में ये कह दिया कि जो आउटर लेयर है अर्थ एटमोस्फेयर की, जैसे कि हमने लेयर्स पढ़ रखी हैं, तो जो आउटर लेयर्स है जिसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं अर्थ एटमोस्फीयर की, उसके अंदर आयंस है, और आयंस है तो मूवमेंट ऑफ आयन के कारण क्या होगा भाई, करंट प्रोड्यूस होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फोर्थ रीजन में ये कह दिया, जैसे कि जो अभी हमने डिस्कस किया था बरिड का, कि जब किसी भी कोई भी जैसा सॉफ्ट आयरन था उसको बरिड करते हैं, तो ये कह दिया कि जो अर्थ का कोर है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली क्या है, हॉट एंड मोल्टन है, मीन्स बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। जैसे जैसे हम बरिड करते हैं सब्सटेंस को, कोई भी जैसे सॉफ्ट आयरन नहीं था, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वहां पर आपके पास कैसा है, ये हॉट एंड मोल्टन है, मीन्स जो सर्कुलेटिंग आयंस है, जैसे कि मान लीजिए आयरन को किया, या हमारे पास से कोई भी निकल ले लो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उसको बरिड करते हैं, तो इतने ज्यादा टेम्परेचर के कारण, इतने ज्यादा हॉट के कारण क्या होंगे, वो आयंस है वो सर्कुलेट होना स्टार्ट कर दिया, और सर्कुलेशन के कारण करंट प्रोड्यूस हो गया, और करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो मेनली यहाँ पर हमारे पास क्या आया, मेनली एक रीजन यही आया ना कि विद द हेल्प ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। और ये किसने एक्सप्लेनेशन अच्छे से दी, कोज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में किसने बताया अच्छे से एक्सप्लेन, किसने किया था, प्रोफेसर ब्रेकिट ने किया था, बस इसने तो ओनली इतना बता दिया था, लेकिन ऐसा इस तरह से कुछ नहीं है।
कि अर्थ के अंदर कोई बड़ा मैग्नेट है, ऐसा नहीं है। मेनली उसके पीछे रीजन यही है कि विद द हेल्प ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। और जैसे कि मान लीजिए हम मून की बात कर ले, तो मून के अंदर इस तरह का कोई जो मून है उसके अंदर इस तरह का कोई भी मोल्टन या हॉट स्टेट नहीं है, तो वहां पर कोई इस तरह का मैग्नेटिज्म की भी हम बातें नहीं करते। मींस मून है उसके अंदर कोई मोल्टन कोर नहीं है, तो नो मैग्नेटिक फील्ड है। जब अगर कोई भी एक आपके पास जैसे वीनस है, वहां पर स्लोअर रेट है उसकी रोटेशन की, तो थोड़ा सा मैग्नेट है। और जैसे कि मान लीजिए हम जुपिटर की बात करते हैं, तो जुपिटर के अंदर वो काफी ज्यादा मींस अर्थ से भी ज्यादा सर्कुलेट करता है, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो मेनली आपके पास रीजन क्या हुआ कि जितना ज्यादा आयंस रोटेट करेंगे, मीन जितना ज्यादा आयंस है वो सर्कुलेट करेंगे, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की अर्थ के ऊपर, वो अप्रोक्सीमेट कितनी है, 0.1 गोज है। और 1 गोज के अंदर 10^-4 टेस्ला होते हैं, और इसको लिखेंगे तो 10^-4 हो जाएगा। तो ये 0.1 को लिखेंगे तो 10^-1, और ये हमारे पास कितना पड़ा था हमने 10^-4। तो अप्रोक्सीमेट जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट की वो लगभग कितनी है, एक नंबर में इस तरह से पूछ लिया जाए तो 10^-5 टेस्ला। तो ये था हमारे पास फोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो आपको समझ में आ गया होगा, स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था, मैग्नेटिज्म एंड गोजला बताया था, तो समझ में आ गया होगा। थर्ड सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या था कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और थर्ड हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। थोड़े से थ्योरेटिकल है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।